आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के बाद जेई मेंस के 27 जुलाई 2022 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास कह रहा है कि दिस इज इक्वल टू किसके बराबर है, वेयर टी इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और ये मॉड दे रखा है। अगर आप गौर से देखते हो तो यहाँ पर दो अलग अलग क्वेश्चन है। अगर आप देखिए ये फ्रैक्शनल पार्ट है, ये सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और ये मॉड दे रखा है। हम दोनों को अलग अलग सॉल्व करते हैं, जीरो से लेकर के टू तक और मॉड 2x² और माइनस टाइम्स 3x और ये आ गया अपने के पास dx के बराबर। बराबर इस क्वेश्चन को अलग सॉल्व करेंगे और इधर वाले को अलग सॉल्व करेंगे। इसको पहले सॉल्व कर लेगा फिर बाद में आपने कहा उसको देखा जाएगा। सबसे पहले ये देखिए ये निगेटिव कहाँ बन रहा है, जीरो से लेकर के टू के बीच में। यहाँ से आपने कहा क्या कीजिए, एक्स कॉमन ले लेते हैं, एक्स जैसे कॉमन लेंगे ये आपने कहा किस तरह आ जाएंगे 2x और माइनस टाइम्स 3 के बराबर, क्योंकि पहले फंक्शन को तो डिफाइन कर ले इक्वल टू आपने के पास क्रिटिकल पॉइंट, तो एक आपने कहा जीरो हो जाएंगे और एक आपने कहा किस तरह आ जाएंगे 3/2 के बराबर। 3/2 से ज़्यादा प्लस हो जाएंगे, 3/2 से ज़्यादा ले लीजिए तो आपने कहा 4 ले लेते हैं, 4 × 2 = 8, तो ये आ गया अपने पास प्लस के बराबर, ये माइनस और ये प्लस। हमें अपने पास कहाँ तक चाहिए, तो 3/2 से लेकर के 2 तक ही चाहिए, तो ये अपने पास प्लस। यहाँ से अगर आपने के पास इसको स्प्लिट करते हैं तो 0 से लेकर के कहाँ तक 3/2 में स्प्लिट होगा, तो ये आ गया 3x - 2x² के बराबर, हाँ या ना, 3x के बराबर और प्लस टाइम्स इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, तो 3/2 से लेकर के अपने के पास कहाँ तक, तो 2 तक, 3/2 से लेकर 2 तक, ये अपने पास एजेटी जा जाएगा क्योंकि उधर प्लस है, तो 2x² - 3x ठीक है और इनटू dx से बराबर। अभी कुछ नहीं किया मॉड को, अपने पास इस रीजन में नेगेटिव होता है तो एक माइनस साइन से हम मल्टीप्लाई कर दिए, इस रीजन में पॉजिटिव है तो एक माइनस साइन अपने पास माइनस साइन से मल्टीप्लाई नहीं किया, इसका काम तो रहा नहीं ठीक है। अब अपने के पास क्या कीजिए, ये अपने के पास रहने दीजिए, काम आएंगे बाद, ठीक है ये आ गया इसके बराबर ठीक है। अब अपने के पास क्या करते हैं, यहाँ पर कीजिए तो इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, ये आ गया 3x² / 2 और माइनस टाइम्स x³/3 के बराबर, हाँ या ना, ठीक है। लिमिट अपने के पास 0 से लेकर के अपने के पास 3/2 तक और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने के पास 2x³/3 के बराबर और यहाँ से अपने के पास किया जाए 2x³, कुछ गलत किए क्या, 2x² और यहाँ से अपने के पास ये भी तो हो जाएंगे तो 3x, तो यहाँ से अपने के पास 2 के बराबर, हम भी कहने कुछ तो अपने के पास, तो ये आ गया अपने के पास 2 के बराबर ठीक है। तो यहाँ से आ गया अपने के पास 2x³/3 के बराबर, 2x³/3 और माइनस टाइम्स 3x² / 2 के बराबर ठीक है। और अपर लिमिट लोअर लिमिट चिपका है तो लोअर लिमिट अपने के पास 3/2 के बराबर, अपर लिमिट अपने के पास 2 के बराबर, इसको लेकर के हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं बराबर। इसको अपने के पास क्या कीजिए, इसको ऊपर कर दीजिए ताकि जगह का अपने के पास किल्लत ना रहे ठीक है। तो यहाँ से अपने के पास क्या कीजिए, अब तो अपने के पास लिमिट ही पुट कर दें, अपर लिमिट जैसे पुट करेंगे तो ये किस पर आ जाएंगे 3/2, तो ये आ गया अपने के पास 3/2 और इंटू आ गया अपने के पास 3 × 9 = 27, तो ये आ गया अपने के पास सॉरी 9 × 27 = 9/4 के बराबर बराबर। और माइनस टाइम्स अपने के पास इसमें पुट कीजिएगा तो ये आ गया अपने के पास 2/3 और इंटू में अपने के पास आ जाएंगे 3 × 9 = 27 और अपॉन में किस तरह आ जाएंगे 2 × 4 × 8, कोई दिक्कत नहीं। और अपने के पास प्लस टाइम इसमें अपने के पास पुट कीजिए तो यहाँ से अपने के पास आ जाएंगे 2/3 के बराबर ठीक है। लोअर लिमिट पुट कीजिए तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो पुट करने की जरूरत है ही नहीं, तो ये आ गया अपने के पास 2/3 × 2 × 4 × 8 के बराबर, तो ये आ गया अपने के पास 8 और माइनस टाइम्स आ गया अपने के पास 3/2 और इंटू अपने के पास किस तरह आ जाएंगे 4 के बराबर। अपर लिमिट माइनस टाइम्स लोअर लिमिट बताइए, लोअर लिमिट जैसे पुट करेंगे तो ये आपने कहा किस तरह आ जाएंगे तो 2 × 2 = 4 × 8, ये आपने कहा ये अगर गौर से देखते हो तो ये सेम वही तो लिखा हुआ है। यहाँ से आ गया अपने कहा किस बराबर, तो यहाँ से आपने के पास माइनस टाइम्स, तो ये आ गया अपने कहा 2/3 और इंटू 3 × 9 = 27 और अपॉन में किस तरह आ जाएंगे 8 के बराबर, 27 × 7 / 8 और माइनस टाइम्स आपने कहा बताइए, तो यहाँ से माइनस टाइम्स, अच्छा अपर लिमिट पुट करना था, यहाँ से आपने कहा कैलकुलेशन थोड़ा सा खतरनाक है, क्वेश्चन आसान है कैलकुलेशन खतरनाक, ये आ गया अपने 2 × 4 × 8 तो ये 8 के बराबर और माइनस टाइम्स आपने के पास आ जाएंगे 3/2 और इंटू आपने के पास आ जाएंगे 8। अबे अपर लिमिट पुट कर लिए थे क्या बात थी, अपर लिमिट तो ये अपर लिमिट पुट किए हैं ना, हम भी कह रहे थे ये आ गया 2 × 4 × 8 3 × 9 = 27 के बराबर, हाँ या ना, और ये आ गया माइनस टाइम्स आपने के बताइए, माइनस टाइम्स आपने के आ जाएंगे तो 3/2 और इंटू आ गया अपने के पास 3 × 9 = 9 / 4 के बराबर, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं है। यहाँ से अगर आप गौर से देखते हैं तो ये वाले अपने के पास सेम लिखे हुए हैं, ये वाले सेम लिखे हुए हैं, बस माइनस का अंतर है, तो यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले लेते तो ये प्लस हो जाएंगे और ये भी अपने के पास क्या हो जाएंगे प्लस हो, नहीं ये अपने के पास माइनस का अंतर है, सीधा सी बात है ये दोनों सेम लिखा हुआ है, बस अपने के पास देखिए 3/2 × 9/4 तो यहाँ से हम क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको एज इट इज सॉल्व कर लेते हैं, ये वाले अपने के पास तो बस माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस हो जाएंगे ये माइनस हो जाएंगे, आ गया अपने के इसके बराबर 9 × 27 = 8 के बराबर और यहाँ से अपने के कॉमन आ जाएगा 27/8 कॉमन आ जा रहा है, देख लीजिए 9 × 27 = 4 × 8 27/8 1 − 2/3 के,
कोई दिक्कत नहीं, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी ध्यान। तो ये आ गया अपने किस बराबर, तो ये आ गया अपने गैस 4/4/2, कुछ कॉमन आ रहे क्या? नहीं, 4 कॉमन आ रहे हैं यहाँ पर। जैसे अपने गैस 4 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ से आ गया किसके बराबर, तो ये आ गया 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 के बराबर। ठीक है, तो 2 4 4/3 के बराबर, और -3/2 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से आ गया अपने गैस 2 इंटू, यहाँ से आ गया अपने के पास 27/8 के बराबर, और -10 अपने के पास बताइए क्या अपने के पास 2, तो सिर्फ इसी का मल्टीप्लीकेशन बात का ध्यान रखें। और यहाँ से अपने के पास आ जाएगा 27/8, और 3 में से 2 जाएगा 1, 1/3 के बराबर। ठीक है, ये आ गया अपने के पास इसके बराबर, और +10 यहाँ से आ गया 4 इंटू 12 अपने के पास एलसीएम हो जाएंगे। थोड़ी सी अपने के पास कैलकुलेशन खतरनाक क्यों आ रही है। तो यहाँ से 12 आ गया, तो अपने के पास 3 चौका 12, 4 चौका 16, 2 छक्के 12, 6 त्रिक 18 हो जाएंगे अपने के पास। तो ये आ गया अपने के पास 2 2 छक्के 12 और 6 3 18, 3 चौका 12 और 4 चौका 16 के बराबर। यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ गया अपने के पास 2 4 जा 8, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैलकुलेशन ही में अपने के पास टाइम लग रहा है, 2 4 जा 8। ठीक है, तो यहाँ से आ गया अपने के पास 27/4 में 4 3 12 के बराबर, 27/12 के बराबर। और +10 अपने के पास किस तरह आ जाएंगे, तो यहाँ से अपने के पास 12 रहने देते, -10 अपने के पास यहाँ पर देख लीजिए, तो 16 16 में से 18 जाएगा किसके बराबर जाएंगे, 16 16 में से 18 जाएंगे, तो अपने पास 2 बचेंगे। या गया अपने पास 8/12 के बराबर। ठीक है, तो 18 27 में से 8 जाएगा, तो अपने पास ना 8 17 19 और 12 के बराबर, लेकिन पॉजिटिव टर्म, यानी इसको सॉल्व करने के बाद 19/20 12 के बराबर आया। सिर्फ इसको सॉल्व करने के बाद इसका तो अभी काम बाकी है। ठीक है, इसका काम अपने पास क्या कीजिए, तो अपने पास इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो यहाँ से अपने पास इंटीग्रेट कीजिएगा, इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 तक, और यह आ गया बॉक्स एक्स -(-1/2) के बराबर, बॉक्स एक्स -(-1/2) के बराबर डी एक्स। अब देखिए बॉक्स एक्स -(-1/2) ये कहाँ कहाँ अपने के पास इंटीजर बन रहे हैं, अगर आप गौर से देखें तो सबसे पहला इंटीजर अपने के पास 0 पर बन जाएगा, कहाँ पे 1/2 पे ही बन जाएगा, 0 से लेकर 1/2 पर। यहाँ से अपने के पास, ये तो काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन, यहाँ से आ गया अपने के पास 0 से लेकर 1/2, 1/2 0 से लेकर 1/2 के बीच में डालेंगे, ये 0 आ जाएंगे, तो 0 × dx के बराबर। कोई दिक्कत, या 0 आएंगे या माइनस हो जाएंगे, माइनस में जाएंगे, क्या आ गया माइनस के बराबर, तो -dx के बराबर। +10 इंटीग्रेशन 1/2 से लेकर के अपने पास कहाँ तक, तो अगला जो जाएंगे वो अपने पास 3/2 तक, ये अपने पास 0 बन जाएगा dx के बराबर। अब अपने के पास इतना तो इंटीग्रेशन आनी चाहिए, तो 3/2 से लेकर के अपने पास अगला कहाँ तक, तो 2 तक, तो ये बन जाएगा, ये आ गया अपने पास dx के बराबर। अब इनको सॉल्व कर लीजिए, इनको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ गया अपने पास किस बराबर, -10 यहाँ से आ गया 1/2 -0 के बराबर। ठीक है, हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, ये पूरी क्वांटिटी गया कहाँ, तो 0 की तरफ। ठीक है, यहाँ से आप इनके किस आ जाएंगे, तो यहाँ से +(-2) और -(-3/2) के बराबर, यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने के किस बराबर, -(-1/2) और +(-2 × 4, +(-4 4 में से 3 जाएगा 1 के बराबर, 1/2 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये पूरी क्वांटिटी 0 हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि अपने ये पूरा क्या लिखा हुआ है, 0 ही लिखा हुआ है। जब ये पूरा 0 लिखा हुआ है, तो यहाँ से अपने फुल एंड फाइनल आंसर बताइए, FNF अपने 19/2 और +(-0) के बराबर। यहाँ से अपने FNF किसके बराबर हो जाएंगे, FNF इक्वल टू आ गया अपने के पास 19/2 और +(-0) के बराबर, यानी ये आ गया अपने पास फाइनल आंसर 19/2 के बराबर। हम कुछ नहीं किए, ये 19/2 है +0, इसका वैल्यू 0 के बराबर आ गया, और इसका वैल्यू अपने के पास 19/2 के बराबर आ गया। दोनों को ऐड करना है, दोनों को जैसे ही ऐड करेंगे तो अपने के पास कितना आ जाएंगे, 19/12, यानी ऑप्शन नंबर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। बराबर, कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं। ठीक है, अरे बॉम्बे हो जाए यार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर। तो ये थे आपके पास कौन से, तो जेई मेंस के 27 जुलाई 2022 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में आए तो छोड़ करके बिल्कुल नहीं आना है। लल्लू सा क्वेश्चन से दो अलग अलग क्वेश्चन सोचिए और दोनों को एक साथ सॉल्व कर लीजिए। तो बस इतना इस वीडियो में, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।